नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इकोनॉमिक सेगमेंट को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद के लिए सुनीश शर्मा का नाम फाइनल कर दिया गया है। शर्मा अभी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास कई विभागों पर काम करने का अनुभव है, साथ ही इनको काफी टेक्निकल नॉलेज भी है। वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप में डीजल इंजन को इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव में बदलने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जोनल रेलवे से लेकर वर्कशॉप और डीजल लोकोशेड तक अलग अलग लेवल पर काम किया है। देश का केंद्रीय बजट अब पेश होने वाला है। सरकार ने पहले ही बता दिया है कि ये बजट एकदम अलग होगा और ये आत्मनिर्भर भारत को ध्यान देते हुए तैयार किया जाएगा। ऐसे में आर्थिक मामलों के जानकारों ने बताया कि 2021 से 2022 के आम बजट को लेकर सरकार कोविड-19 सरचार्ज को भी शामिल कर सकती है। सरकार ने पिछले साल ही प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव यानी कि PLI योजना के तहत 10 प्रमुख सेक्टरों को अगले 5 सालों में करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इनमें फार्मा, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्शन शामिल है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम में इन सेक्टर में कई नई नौकरियां मिल सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी स्थिति सुधरेगी और ये वैश्विक स्तर का बनेगा, साथ ही विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। कैबिनेट ने पिछले साल अक्टूबर में 10 सेक्टर में PLI लागू करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं जो महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेलवे ने खास ट्रेन बनाकर दुनिया में इतिहास रचा है। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। रेलवे के मुताबिक हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं होंगी। रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए इस ट्रेन की तस्वीर भी शेयर की है। जानकारी के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था है। रेलवे द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन में अभी आधुनिक सुविधाएं हैं। महाराष्ट्र सरकार ठाणे, नासिक, अमरावती और नागपुर में केंद्रीय सहायता के तहत आदिवासी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सौर आश्रम विद्यालयों के विकास के लिए पायलट परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी नोडल एजेंसी होगी। जारी की गई सूचना में आदिवासी विकास विभाग के डेस्क अधिकारी प्रकाश वाजे ने कहा कि इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति के सुनिश्चित और स्थायी स्रोत को सुनिश्चित करना है और इस तरह बिजली के बिलों के लिए एक कमी को कम करना है। परियोजना अधिकारी अपने अपने क्षेत्र अधिकार में सरकार द्वारा संचालित आश्रमशालाओं का चयन मेडा और महावितरण के परामर्श से करेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया में एकलव्य स्कूल, सेंट्रल किचन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल शामिल है। आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक 5 करोड़ रुपए में 1.25 करोड़ रुपए ठाणे, नासिक, अमरावती और नागपुर के अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के विकास के लिए वितरित किए जाएंगे और सौर ऊर्जा आपूर्ति छात्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने में सहायक होगी और उन्हें बार बार बिजली कटौती या लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये स्कूल नेट मॉनिटरिंग सिस्टम के कारण मासिक बिजली बिल भुगतान की ओर पैसा बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमर्शियल ऑपरेशन के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के एक और खंड का उद्घाटन करने की संभावना है। 306 किलोमीटर का समर्पित यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेवाड़ी मदार खंड पूरा हुआ है। मदार राजस्थान में अजमेर के पास है जबकि रेवाड़ी हरियाणा में है। इस कार्यक्रम में अटेली और किशनगढ़ से ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। पिछले सप्ताह अपने उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि DFC के बाकी काम में तेजी लाई जाएगी। 46 किलोमीटर का खुर्जा दादरी लिंक मार्च तक तैयार हो जाएगा और ये 53% पूरा हो जाएगा। 127 किलोमीटर की रेवाड़ी दादरी लाइन अगले साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। 335 किलोमीटर लंबा मदार पालनपुर खंड 83% पूर्ण हो चुका है और अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा पालनपुर मकरापुर खंड मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा और ये आधा तैयार हो चुका है। बेंगलुरु के यात्री अब एक ट्रेन ले सकेंगे जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब जाएगी। अब तक निजी वाहनों के अलावा यात्रियों को महंगी टैक्सी और बसों पर भरोसा था। यहाँ तक कि शहर के अधिकांश हिस्सों से बस की टिकट की कीमत 250 रुपए थी। अब दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने देवन हिल स्टेशन, जो हवाई अड्डे की सीमा के किनारे पर स्थित है, उसके लिए सेवा शुरू कर दी है। नई सेवा यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए पहला गैर सड़क, तेज और कम खर्चीला विकल्प प्रदान करेगी। एक शहर से ट्रेन में चढ़ा जा सकता है और हवाई अड्डे के पड़ाव तक पड़ने वाले स्टेशन तक पहुंचने के लिए 10 से 15 रुपए देने होंगे। अगले 5 महीनों में शहर और हवाई अड्डे के बीच, पड़ाव स्टेशन के बीच कुल 5 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच किराए के रूप में 10 रुपए से कम की शटल सेवा प्रदान की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेन रूट से न केवल लाखों लोगों को फायदा होगा बल्कि ट्रैफिक की भीड़ भी काफी कम हो जाएगी।
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि महामेट्रो ने अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन फेज 1 के ट्रायल रन ट्रेन परीक्षण को पीसीएमसी स्टेशन से फुगेवाड़ी स्टेशन तक बढ़ाया है, जो कि करीबन 6 किलोमीटर की दूरी है। महामेट्रो ने पहली बार 10 जनवरी 2020 को नागपुर मेट्रो से उधार ली गई 2 सीआरआरसी ट्रेनों का उपयोग करते हुए पर्पल लाइन के 10.795 किलोमीटर रीच 1 के 2.4 किलोमीटर खंड पर जो कि पीसीएमसी से संत तुकाराम तक है, उस पर ट्रायल शुरू कर दिया था। तब से रेलगाड़ियां पटरियों पर खड़ी हैं, अब यात्री इनका लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के मैसूर डिवीजन में हरियर और देवरगुड्डा स्टेशन जो कि 31 किलोमीटर की दूरी है, उसके बीच नई डबल लाइन ट्रैक को शनिवार को चालू कर दिया। खबरों के अनुसार ये हुबली और चिकटजूर के बीच 190 किलोमीटर दोहरीकरण का हिस्सा है, जिसमें से 81 किलोमीटर को इस खंड में शामिल किया गया है, जिसमें चिकटपुर तोलहुंसे के बीच 37 किलोमीटर खंड शामिल है, जो अक्टूबर 2018 में चालू हुआ था। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि सीआरएस ने बताया कि बेंगलुरु ने पिछले महीने हरिहर और देवरगुड्डा स्टेशन के बीच 298 करोड़ की लागत से स्ट्रेच का वैधानिक निरीक्षण पूरा किया और संभावित नॉन इंटरलॉकिंग के पूरा होने के बाद लाइन को ट्रैफिक के लिए खोला गया। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की करंट न्यूज। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।